भगवान हमने डिस्काउंट को पढ़ा है और डिस्काउंट में हमने तीन तरह की कैटेगरी बड़े सवाल किए। एक जिसमें सिर्फ डिस्काउंट की चर्चा होती है, नंबर दो जिसमें डिस्काउंट के साथ में प्रॉफिट और लाभ जुड़ता है, और नंबर तीन एक पिछले जैसे सवाल इस तरह के जिसमें डिस्काउंट भी प्रॉफिट लाभ भी और थोड़ी सी वैरायटी आ जाती है, इस तरह के तीन सवाल। ये सवाल परीक्षा के बाद से कहते हैं तीन और चार को मिलाव करते हैं मेरिट के सवाल। ये इसमें कंफ्यूजन भी होता है, समय भी लगता है, सब है। ये मेरिट के सवाल है कि ये सवाल अपने को कैसे करना है। तो अब तो हमने दोनों का रिविजन भी किया, प्रॉफिट एंड लॉस का कल भी किया, बाद में भी किया, अभी और करेंगे। ये एक सवाल आपके सामने है, एक व्यापारी एक वस्तु पर 16.3% का डिस्काउंट देने के बाद 16.3% का लाभ कमा रहा है, बट डिस्काउंट कितने परसेंट कर दे कि ग्राहक को जो छूट मिले वह और व्यापारी को जो लाभ मिले वह दोनों इक्वल हो जाए। डिस्काउंट कितना परसेंट कर 16 से 2% करने की आवश्यकता नहीं, 16 से 2% का डिस्काउंट देगा तो 16 से 2% का लाभ होगा। आइए बोले साहब। हाँ चलो है ना, और बोलिए। अब तेरे बोलते नहीं, अब तो बोलती सब को दो उत्तर लगाने का नंबर चाहिए। भगवान कितनी मुक्तापूर्ण बात कहते थे, मेरे को अपने आप हंसी आ गई। क्या सवाल है, तीन चार दिन से ही सवाल पढ़ा रहा, उसके बाद जो इतनी बड़ी गलती करेगा तो क्या कितना कंफ्यूज माइंड है भगवान। मेरिट का सवाल है भगवान, कहते करीब चार का वैसे सवाल बहुत सिंपल है, बस आइडियोलॉजी की बात है, एक आइडियोलॉजी आपको डेवलप करना है। वह डिस्काउंट कितने प्रतिशत करते हैं कि लाभ और डिस्काउंट दोनों इक्वल हो जाए अमाउंट में, रुपये में, परसेंटेज में नहीं। चलो मैं बताऊं क्या तो कुछ नहीं भगवान, आप थोड़ा सा मैं आपसे बार बार एक प्रार्थना करता हूं विनम्रता के साथ भगवान मेरे, कि आप भाषा से दोस्ती नहीं करते। और मैं हजार बार एक बात कहता हूं कि रीजनिंग और गणित में जो भी मेरिटियस प्रॉब्लम है कैटेगरी तीन और चार वाली, वो सारी प्रॉब्लम भाषा में आपको घुमाने की कोशिश करेगी। गणित तो बहुत सिंपल होती है, गणित तो बहुत सिंपल होती है, अब भाषा से आप समझने की कोशिश नहीं करते। यहां तक एक कहानी है, बराबर पूर्ण विराम लगा है, यहां दूसरी कहानी है, तो पहले इस कहानी से दूसरी कहानी के बीच में कोई छिपी हुई बात है वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या निकालना जो छिपा हुआ है। हम इस कहानी से इस कहानी पर जाएंगे तो हमें किसके जरूरत होगी उस कहानी में जाने के लिए। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में समझाया कि डिस्काउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट में जाना तो हमें सेल वैल्यू की जरूरत होगी, बिना उसके नहीं जा सकते। तो यही तो लॉजिक है सबसे बड़ा। अब यहां पर आपको इस कहानी से इस कहानी पे आना किसकी जरूरत है। एक कहानी में पूरा परसेंटेज दिया, दूसरी कहानी में वही परसेंटेज पूछा, पहली कहानी में डिस्काउंट का परसेंटेज दिया, दूसरी कहानी में डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा, तो इस कहानी से इस कहानी के आने के लिए क्या चाहिए।
सेल वैल्यू चाहिए, परचेस वैल्यू चाहिए, प्रिंटेड वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? मैंने आपको हजार बार कहा कि इन शब्दों को जब तक आप गहराई से समझेंगे नहीं, शब्द की महत्ता नहीं समझेंगे, शब्द का इंपॉर्टेंस नहीं जानेंगे भगवान, आप हमेशा पछताएंगे। और लड़ाई दो सवालों की होती है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरिट की लड़ाई कोई 10 नंबर की नहीं होती, 2 या 3 नंबर की, 2 सवाल 3 सवाल में मेरिट आगे और पीछे हो जाती है भगवान। तो इस कहानी में 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट है बाबा। इस कहानी से अपन क्या करेंगे, देखिए अपने को डिस्काउंट निकालना बाहर में, तो डिस्काउंट निकालना अपने को, तो प्रिंटेड वैल्यू जरूरी के लिए जरूरी जरूरी, फिर प्रॉफिट भी निकालना, क्योंकि तो डिस्काउंट और प्रॉफिट बराबर बराबर हो भाई, कहानी को समझो। सवाल कहना कि डिस्काउंट और प्रॉफिट रुपये में बराबर बराबर हो, तो प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए परचेस वैल्यू चाहिए, बस ये सवाल हो गया। अपने को इस कहानी से आप परचेस स्टेज में, और एक बात हमेशा आपसे बोला मैंने कि जहां रियल वैल्यू नहीं है वहां रियल वैल्यू निकलती ही नहीं है। टोटल 300 शब्द परसेंटेज में है, उत्तर भी परसेंटेज का लेगा, तो आपको परसेंटेज बाहर के सवाल करना पड़ेगा, खत्म बात। आपको परसेंटेज में परचेस वैल्यू निकालना और सेल वैल्यू निकालना। तो अपनी शुरुआत अपन ने 20 नंबर का सवाल किया था डिस्काउंट का, उसमें अपनी शुरुआत करते हैं अपन परचेस वैल्यू से। माना वस्तु की परचेस वैल्यू 100, अब प्रिंटेड वैल्यू कितनी होगी, तो आप 20 नंबर के तरीके का जो सवाल मैंने आपको सिखाया उसको याद करो कि अगर आपको डिस्काउंट दिया वो प्रॉफिट दिया परसेंटेज में, तो उसके लिए अपन एक फार्मूला बनाया कि परचेस वैल्यू को कितना परसेंट बढ़ा दे तो प्रिंटेड वैल्यू हो जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो ना, आपने वो वीडियो पढ़ा कि नहीं देखा बाद में, सारा व्यापार उसी से होता है डिस्काउंट वाला, भाई कितने परसेंट बढ़ा के लिखूं मैं कीमत मेरी वस्तु की, कि मुझे 16 सही 2/3% का डिस्काउंट देने के बाद 16 सही 2/3% का लाभ हो। कैसे लिखेगा अगर ये फार्मूला नहीं होगा तो, क्या फार्मूला बनाया था मैंने, दो परसेंटेज की जोड़ 16 16 32 31 100 माइनस 50/3 मैंने 250/3 40% वस्तु की कीमत बढ़ाकर व्यापारी टैग लगा देगा, तो 16 सही 2/3% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 16 सही 2/3% का लाभ होगा। छोटी सी कहानी है, इसका मतलब 100 रुपए का जो माल उसने खरीदा उस पर कितने रुपए का टैग लगाना, 140 टका प्रिंटेड वैल्यू 140, दोनों वैल्यू निकल गई आपकी। अब क्या बचा सवाल में, अब बताओ अब क्या सवाल है, अब आओ इस लाइन में, अब जरा अब करके बताओ, अब तो गलती नहीं होना चाहिए। अब गलती हो जाए तो आपको युवा का विद्यार्थी चलाने का हक नहीं है, हाँ बदनाम मत करना युवा को, मजा आया कि मैं युवा में पढ़ता हूं। दो सेकंड का सवाल है अक्षना क्या पढ़ती है आजकल, क्या दिमाग हो गया, 2 सेकंड का सवाल है।
बस दो सेकंड का, अगर तीसरा सेकंड लग जाए तो आपको युवाम का विद्यार्थी अपने आप को कहने का हक नहीं है। क्या भगवान, 100 रुपए का माल है, उस भगवान ने, उस भगवान ने 140 रुपए का उस पे स्टिकर लगा दिया और रख दिया। अब वो कह रहा है सवाल आपसे, जब सवाल तो पढ़ो ना, मेरा मुंह क्या देखते रहते हो भगवान, वह डिस्काउंट को कितने परसेंट करते हैं कि ग्राहक को मिल रही छूट और व्यापारी का लाभ बराबर। अभी 100 रुपये का माल 40 रुपये हो गया, तो उसके 40 रुपया है, इसमें से वो कह रहा है कि 40 रुपये दो भागों में बांट दो, तो दो भाग है, एक डिस्काउंट और एक प्रॉफिट है, तो कह रहा है कि दोनों बराबर कर दो। 100 रुपये के माल पे ग्राहक को छूट कितनी मिलना चाहिए? अरे बोलो ना, मेरा भूख क्या देख रहा हो, 40 का आधा कितना हुआ? 20 रुपये। और व्यापारी को लाभ कितना चाहिए? 20। अब 140 रुपये के स्टिकर पर 20 रुपये की छूट दे तो डिस्काउंट कितना परसेंट हुआ? क्या फार्मूला? 20/140 × 100, 100/7, 14/2। क्या भगवान, एक सड़ा सा सवाल 2 सेकंड का नहीं है। भाषा से दोस्ती नहीं करते, 1000 बार कहने के बाद भी कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। साहब को कह रहा कि 100 रुपया का मूल्य है, मैंने 140 रुपये उस पर लिख के बाजार में रख दिया दुकान पे, अब 140 के दो हिस्से करना, एक डिस्काउंट और एक लाभ, वो कह रहा दोनों बराबर बराबर करना, तो इसका मतलब मुझे 20 रुपये का डिस्काउंट देना और 20 रुपये का लाभ लेना। लाभ पूछा नहीं तो लाभ को तो भाड़ दे जा, तो डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा तो 20 रुपये डिस्काउंट देना है, 140 में प्रिंटेड वैल्यू है, तो प्रतिशत पर डिस्काउंट कितना हो गया? 20/140 × 100। अब बताओ, मैंने बोला 2 सेकंड का सवाल बाद में, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं आपसे? मौखिक सवाल 2 सेकंड का है, 14/2/60%। भगवान कितना आपसे बोलते हैं, आप भाषा ही नहीं समझते हो। मेरिट के सुपर दुपर सवाल, दो दो पांच पांच सेकंड के सवाल है, मैं 1000 बार आपसे कह चुका हूं, जो सवाल में लॉजिक अच्छा होता है, गणित सरल होती है, और आप भाषा ही नहीं समझते तो गणित का तो कोई लेना दे रहे। अपने आप तो गुस्सा आना चाहिए, क्यों नहीं आया सवाल मुझे? भाषा से दोस्ती नहीं है भगवान, भाषा से दोस्ती नहीं। चलो और करो, क्या आगे बढ़ो, अरे और करो तो आगे बढ़ो, उसको एक और करो, क्या एक व्यापारी एक वस्तु पर 26/2/3% का डिस्काउंट देने के बाद 6/2/3% की हानि उठा रहा है, और डिस्काउंट कितने प्रतिशत कर दे कि ग्राहक को मिल रही छूट तथा व्यापारी का हो रहा लाभ 3:2 हो जाए? मेरिट के सुपर सवाल है, आपस में बात कर सकते हैं, अभी कोई परीक्षा नहीं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु पर 26/2/3% का डिस्काउंट देने के बाद 6/2/3% की हानि उठा रहा है, हानि उठा रहा है, वह डिस्काउंट कितने परसेंट कर रहे कि ग्राहक को मिल गई छूट तथा व्यापारी को लाभ 3:2 हो जाए? व्यापारी को लाभ 3:2 हो जाए।
180 बटे। अब व्यापारी इतना परसेंट डिस्काउंट तय करेगा कि ग्राहक को 180/11 रुपए की छूट मिले रुपये में। अब ये छूट परसेंटेज में किसके बराबर है? डिस्काउंट बटे प्रिंटेड वैल्यू गुणित 100। 180/11 बटे 1400/11 ये गुणित 100 गुणित 100 है, 0 से 0 कटे, ये 90/7 लगभग 13% लगभग 13% की छूट देगा तो ग्राहक को 2 के बराबर लाभ मिलेगा। ये सवाल हो गया। एक दो विद्यार्थी कैसे बाकी विद्यार्थी क्यों नहीं कर पा रहे हो? भगवान देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करे। भगवान मेरे आपसे बार बार विनती है, भगवान थोड़ा समझने की कोशिश करे, वीडियो को पढ़े। भगवान देखिए मैं आपसे कहता हूँ, ये मेडिक के सवाल है भगवान, परेशान तो करेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये मेडिक के सवाल है, आपके मस्तिष्क को बेचैन करेंगे, आपके हृदय में कांटे चुभेंगे और जब कांटा चुभेगा तभी किसी नई क्रांति का जन्म होगा। अगर कांटे नहीं चुभेंगे तो क्रांति नहीं होगी। चाणक्य को कांटा चुभा क्रांति हुई, महावीर और बुद्ध को कांटा चुभा क्रांति हुई, महात्मा गांधी को कांटा चुभा जब अफ्रीका में गाड़ी से नीचे फेंक दिया क्रांति हुई, भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद को कांटा चुभा तो क्रांति हुई। नहीं तो आप ऐसे नहीं जाओगे। कांटे चुभ ले चाहिए भाई, क्यों गलत हो गया आपसे सवाल? दो विद्यार्थियों ने कैसे सही कर दिया और हम क्यों नहीं कर पाए? आग लग जानी चाहिए तो जाके एक नए इंसान का जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। बबन चलिए ठीक है बबन। हाँ।